इम्पॉवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री विल ट्राई टू सी कि ये कैसे हुआ. अब देखिए कि इम्पॉवरिशमेंट मतलब उसको और पुअर का पुअर बनाते जाना, हमारी पीजेंट्री जो है यहाँ की जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको और गरीब कर देना. अभी उसके पीछे का जो रीजन है उसमें ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट अभी तक एक ही चीज के ऊपर अटकी पड़ी थी. उसका मानना यह था कि हम किस तरह से यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए. दी गवर्नमेंट वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन दी मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेंट्स, और इसके कारण ही इन्होंने यहाँ पे परमानेंट सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम डेवलप किया. परमानेंट सेटलमेंट और उसके बाद रैयतवारी और उसके अंदर तो बहुत सारे उठपटांग नियम ला दिए और बोल दिया कि यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हो जमीन का, कि जो आदमी पैसे नहीं दे पाएगा उसके नाम से जमीन हट गई और उसकी जगह दूसरे आ गए. दूसरा फोर्स था वो थे जमींदार्स, यहाँ पे जो इंटरमीडियरी हुआ करते थे वो तो दौड़ा दौड़ा के इनको पीटते थे, ऊपर से बेगार प्रैक्टिस किया करते थे. ओके, सो बेगार इज द फोर्स लेबर. तो यहाँ पे आपको फोर्स लेबर आपको ठीक है मजदूरी कराया जाता था, इलीगली आपको पैसे लिया जाता था और ये भी यही बोला करते थे कि आप हमको पैसा दो. यहाँ पे इसके पीछे पीछे जब पूरी की पूरी कहानी आगे बढ़ती है तो आपका जो किसान होगा वो जाएगा किसके पास, वो जाएगा आपके मनी लेंडर्स के पास, जो गांव के अंदर बड़े बड़े जो बनिया लोग हुआ करते थे, मुखिया लोग हुआ करते थे. और मनी लेंडर बोलेगा कि भाई तुमको मेरे से पैसे चाहिए, मैं पैसे तो दूंगा पर 50% ब्याज भी दूंगा इसके ऊपर आपको. तो ठीक है, तो हमारा किसान इन तीनों के बीच में, वो चाहे गवर्नमेंट हो, जमींदार हो या आपका मनी लेंडर हो, इन तीनों के बीच में वो फंस जाता था. और फंसने के कारण वो इतना गरीब हो रहा था, इतना गरीब हो रहा था. और इसके पीछे ही हमने वो देखा था, वो था डेट ट्रैप. वो इसके चक्रव्यूह के अंदर फंस जाएगा ब्याज के और इसके बाद अपने आप को लटका देगा. तो ठीक, फाइनली वो सुसाइड की तौर के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो ये भाई साहब जमींदार हुआ करते थे या मनी लेंडर हुआ करते थे, ये पैसे लिया करते थे, ये तो बोलते ही रहते थे दुगना लगान देना पड़ेगा. सो इसके कारण ही हमारी जितनी भी पीजेंट्री थी यहाँ पे, जितने भी खेती करने वाले लोग थे, उनका सत्यानाश हो गया. ओके, सो दिस टू से दुगना लगान देना पड़ेगा. यहाँ पे ये लोग बोलते थे कि 24 घंटा काम करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा टीलर बोलेगा कि भाई साहब मैं करूँ क्या, क्या आई एम एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, अब मैं क्या करूँ. अब पैसे इसको चाहिए तो पैसे इसके पास जाएगा, तो ये बनिया होगा ठीक है, ये आपका जो महाजन होगा ये बोलता है पैसे तो मिलेंगे लेकिन 50% इंटरेस्ट भी आपको चार्ज कर रहा हूँ. सो एज अ रिजल्ट यू सी कि ये सब चीजों की चीजें इकट्ठी हो जाती है. ये तीन के तीन फैक्टर्स इसके पीछे लगने पड़ जाते हैं हमारे पीजेंट के पीछे, कि कुछ भी हो जाए इसका सत्यानाश हो जाएगा. और इसके बाद एक जनरेशन आगे जाएगा कि वो लोग जब मनी लेंडर्स के पास जाएंगे तो इसके बाद इनकी हालत और खराब. सो इंडियन पीजेंट्स को किस तरह से अफेक्ट किया गया हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, उसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेने की कोशिश की है. साथों साथ एक मुद्दा हमको ये भी देखने को मिल रहा था, वो है इमर्जेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशंस एंड रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार्स. ओल्ड जमींदार्स इसके लिए देखिए कि जो पुराने जमींदारों को भी यहां से अंग्रेजों ने खदेड़ दिया था. और इसी में से जब एक पुराने जमींदार को खदेड़ दिया जाता है 1850 के आसपास का वक्त है, तो वो 1857 के रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा जिनका नाम था कुंवर सिंह. वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द जमींदार्स इन 1857 रिवॉल्ट वॉज दिस ओनली. क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वो किसी के लिए अच्छी नहीं थी. आज जमींदार से बहुत प्यार करेंगे, दूसरे दिन उसको चाटा मार देंगे, बोले निकल तू यहां से. और इसके कारण जब 1857 की क्रांति हुई तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हमको भी कूद पड़ना चाहिए, तो इसके अंदर जमींदार भी कूद. दी लैंड इन द बंगाल हैड पास्ड इनटू न्यू हैंड्स, नए नए लोगों के हाथ के ऊपर जमीन आनी शुरू हो गई. और ये जितने भी नए जमींदार थे ना वो सब इन्फ्यूडेशन करते थे. सब इन्फ्यूडेशन मतलब कि आपको जैसे मुझे 500 गांव की जमींदारी मिल गई तो मैं 100 गांव इनको दूंगा, 100 गांव इनको दूंगा, 100 गांव इनको दूंगा. सो आई विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द कंट्रोल. और ये जो नए लोगों को मैंने 100 गांव बांट दिए हैं वो इनका शोषण करेंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे आपकी राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के ऊपर ही कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये शुरुआत हमने देखी थी कि ये भाई साहब कैसे सिटीज के अंदर रहते हैं और ये सब इन्फ्यूडेशन के नाते किसी ना किसी को जमीन पास ऑन कर देंगे और वो ध्यान नहीं रख पाएगा. ओके, तो ये भी एक ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का ही एक पार्ट था और कॉलोनियलिज्म के ही पार्ट के अनुरूप यहाँ की इंडिया की इकोनॉमी को तोड़ा गया. फाइनली यहाँ से ही अल्टीमेट स्टेज के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर चला जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. अभी मुद्दा ये है कि ये कैसे होगा. फिर से हम लोग तीन प्लेयर्स के अनुरूप देखने की कोशिश करेंगे. एक तो था जमींदार, एक तो था आपकी गवर्नमेंट, एक तो थे आपके मनी लैंडर्स और साथों साथ हमारा जो था फार्मर. इनके तीन चार के बीच में ये पूरी की पूरी सिस्टम चलती रहेगी. हमको जानना ये है कि ये कैसे हुआ. पहला मुद्दा ये है कि ये कैसे हुआ. उसके पीछे की कहानी ऐसी बोली जाती है कि
कोई भी चीज स्टैग्नेट तभी होगी जब इसके पीछे जो आपके सोर्सेज होंगे वो आप सप्लाई करना बंद कर दो। जैसे गाड़ी के अंदर आप तेल भराना बंद कर दोगे, ईंधन भराना, तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। तो सिंपल इसी तरह से आपके एग्रीकल्चर को लेके भी यही होता है कि आपकी एग्रीकल्चर के अंदर आपने पैसे डालना बंद कर दिए। वो पैसे नहीं क्यों डाले गए थे वो हम लोग देखते हैं कि हु आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मींस नॉर द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो खेती करने वाला लोग था वो बोलता है कि भाई खेती करनी है लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। दिस गाय ठीक है, बेचारा गमछा पहना हुआ पूरे पिक्चर के अंदर घूमता ही रहता है और कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे खेती के लिए। दिस वॉज द वन हु वॉज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर एट दैट टाइम, और ये आदमी जो खेती करने वाला था इसके पास पैसे नहीं। दूसरा यहाँ पे जो बीच में आता था वो था जमींदार। द जमींदार हैड नो रूट्स इन विलेजेस एंड ही पेड लिटिल इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। अंग्रेजों ने जो आदमी को अपॉइंट किया था कि भाई साहब आप देखिएगा, आपने ये ऑक्शन के अनुरूप यहाँ पे जो सिस्टम आपने जीता है, जमींदारी अधिकार जीते हैं, तो आप खेती के पीछे ध्यान दीजिएगा। बट ये भाई साहब तो कुछ और करते थे, ये तो शीशे से शीशा टकराए करते रहते थे। सो दिस गाय वॉज बिजी इन सम अदर एक्टिविटीज, इसके कोई खेती कर रही थी, वॉज रियली इंटरेस्टेड, बट दिस गाय वॉज नॉट हैविंग द मनी एंड द गवर्नमेंट स्पेंट लिटिल ऑन एग्रीकल्चर। हम लोग देखते हैं कि सरकार 1902-1903 तक आते आते करीबन 70-75 करोड़ रुपया खाली इरिगेशन के पीछे लगाए। इसके सामने अगर आप रेलवेज को लेके कंपेयर करोगे तो 1850s में रेलवे की शुरुआत हुई, 1853 टू बी प्रिसाइज, 1853 से लेके 1902-1905 तक की आसपास उन्होंने करीबन 360 करोड़ रुपए रेलवेज के पीछे लगा दिए। अभी आप देखिए कि इंडियन एग्रीकल्चर के पीछे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको तो खाली मजे की लाइफ चाहिए थी। ओके, सो थ्री एजेंसीज विच वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो एक बंदा जिसको करना है उसके पास पैसे नहीं है, इसको ध्यान नहीं देना, और ये तो कुछ पैसे खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज की तारीख में सरकार यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर पैसे लगाएगी, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम डिड नॉट स्पेंड नॉट अ लार्ज अमाउंट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, और इसी के कारण इंडिया की एग्रीकल्चर की बंटाधार की है इन्होंने। अगर यहाँ पे इन्होंने पैसे अच्छी तरह से लगाए होते और इसके साथ साथ जब आपकी जमीन के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, जमीन के टुकड़ों के अंदर और फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, तो आपकी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा। ऑल टूगेदर विद द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड रिजल्टेड इन टू स्टेग्नेशन एंड डिटेरियशन ऑफ एग्रीकल्चर। फ्रेगनेशन मतलब कि एक जमीन का टुकड़ा, भुवन के पास 5 बीघा जमीन है, भुवन उसकी नेक्स्ट जनरेशन को, दो बेटे होते हैं तो दोनों को 2.5-2.5 बीघा दे देता है, उसके दो बेटों के और 3-4 बेटे हो जाते हैं तो सबके भाग के ऊपर 50, आप मैंने बताया ना कि आधा आधा बीघा जमीन आएगी। अभी आधे बीघे के अंदर आप कितना एग्रीकल्चर या कितना फार्मिंग कर पाओगे? आप एक महीने तक चल पाएंगे? उतना भी क्रॉप आप डेवलप नहीं कर पाओगे। और जब ये सब चीजें आपके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, इसके साथ साथ आपके जमीन के अंदर इतना फ्रेगमेंटेशन हो गया, और जब ये सब चीजें इकट्ठी हो जाएगी, पैसे पंप नहीं हो रहे, और इसी के चलते आपका एग्रीकल्चर पूरी की पूरी तरह से स्टैग्नेट एंड डिटेरियोरेट हो गया। सो इंडियन एग्रीकल्चर को किस तरह से तोड़ा गया हमने पीछे के क्लासेस के अंदर भी देखे थे, बट ये जो मुद्दा था स्टैग्नेशन कि क्यों रोक दिया गया, रोकने के पीछे का कारण था ईंधन, वो ईंधन था पैसा, पैसे के साथ साथ यहाँ पे जमीन का फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो इंडिया का एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए। डेवलपमेंट इन्होंने किया था वो सिलेक्टेड सेक्टर्स के अंदर किया था, वो सिलेक्टेड सेक्टर्स थे आपके कमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स कहते हैं, जो मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जा रहे थे, ना कि आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए। यहाँ पे एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन शुरू होता है, इसके पहले की जो खेती थी जिसे सस्टेनेंस बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं, उसी से ही ये पूरा का पूरा मुद्दा कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कमर्शियल बेस शुरू हो जाएगा। एग्रीकल्चर अप टिल दिस टाइम वॉज अ वे ऑफ लाइफ रेदर देन अ बिजनेस, एंड नाउ एग्रीकल्चर वॉज बिगन टू बी इन्फ्लुएंस बाय कमर्शियल कंसिडरेशंस। आप खेती को धंधा बना देते हो ना जब, तो आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो जाती, आज नहीं तो कल उसका कमर्शियल आस्पेक्ट आने वाला था, बट उसके पीछे का जो इंटेंशन है कमर्शियलाइजेशन का, वो अंग्रेजों ने जो लिया है ना उससे बहुत ही विपरीत होता। यू सी स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स वर बिगन टू ग्रोन नॉट फॉर कंजम्पशन इन द विलेज बट फॉर सेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। हमसे क्या ग्रो कराया गया? बोले टोबैको ग्रो करो, इंडिगो ग्रो करो,
कॉटन अच्छी तरह से और कमर्शियल एस्पेक्ट के ऊपर ग्रो किया जाए. एट दैट टाइम अवर पॉपुलेशन वॉज हैविंग ट्रबल रिगार्डिंग फूड. बोले हमको खाना मिलेगा, खाना नहीं मिल सकता. क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे. आज की तारीख के अंदर होता है ऐसा कि अगर फार्मर्स बोले भी तो भी सरकार कोई ना कोई नीति ला के बोल देगी कि एक हद से ज्यादा आप कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स नहीं बना सकते. यू नीड टू प्रोड्यूस दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड क्रॉप्स एज वेल. अगर आपको कमर्शियल क्रॉप्स बनाना है तो उसके पीछे ना नहीं है. केरला हैज वन सच फाइन पॉलिसी. केरला करता रहता है ओके कोकोनट फार्मिंग और उसको लेके तो उसके उसके वो बचा के रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोग इसे एक हद से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे रबर प्लांटेशन के पीछे और कोई क्यों थी. ओके सो इम्पोर्टेंटली कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन जूट ग्राउंडनट ऑल सीड्स शुगर कैन टोबैको दे वर मोर रेन्यूबरेटिव देन द फूड ग्रेन्स. तो हमारे किसानों को पहले चस्का लगाया गया कि भाई साहब एक काम करो आप इसको ग्रो करोगे तो अच्छा होगा. तो इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया. लेटर ऑन इनको ये चीज पता चलती है कि इसके पीछे ये प्लांटेशन सेक्टर के ऊपर भी चले जाएंगे. टी कॉफी रबर इंडिगो भी ग्रो करने के लिए मजबूर किया जाएगा. इनको उगाना नहीं था बट इनको डंडे मार मार के उगाया. बोले तुमको ग्रो करना ही है. और इसी के कारण अगर आप देखिएगा कि पीजेंट वुमेन इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द पीजेंट रिवोल्ट टुक प्लेस ड्यू टू दिस एस्पेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट जानने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री को जब पढ़ रहे होते हैं कि हम लोग जनरली ऐसा करते हैं कि आइसोलेशन में पढ़ते हैं कि ये रिवोल्ट के पीछे का कारण क्या था. ये रिवोल्ट के पीछे का कारण पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल था और उसमें भी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी. और वो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वो थी कमर्शियलाइजेशन. क्यों? क्योंकि इनको पसंद नहीं आ रहा था कि हम लोग टी कॉफी रबर इंडिगो. ये बोलेंगे कि भाई भाई साहब हमको तो गेहूं उगाने दो. हम लोग गांव के अंदर मिल बांट के खा रहा करते थे तो आपको ठीक है इंडिगो और रबर ग्रो करने के लिए मजबूर किया जा रहा था. अभी जिस दिन अकाल पड़ गया आपके फूड क्रॉप्स नहीं अच्छी तरह से आपके मॉनसून फेलियर के कारण तो आप क्या इतना सारा कॉटन खा लोगे? बोले कॉटन खाने से पेट भर जाता है. सिंपल चीज है, नहीं हो पाएगी. बट दे वर फोर्स्ड टू ग्रो. एंड लेटर ऑन जब आपका नेशनल मूवमेंट शुरू होता है तो इसी का ही सहारा लिया गया ना. व्हाट वाज दिस खेड़ा सत्याग्रह ऑल अबाउट? व्हाट वाज चंपारण ऑल अबाउट? चंपारण यही था कि ये इंडिगो इसको उगाना नहीं था. बोला जा मजबूर करके बोले नहीं उगाना ही पड़ेगा. तो पीटा करते थे हमारे फार्मर्स को. तो ठीक है, तो इसके कारण ही इन्होंने फिर रिवोल्ट करना शुरू किया. इसके पहले भी जो ट्रेडिशनल रिवोल्ट्स हुए थे उसमें भी पीछे यही है. तो ऑल द फार्मर्स मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज दिस ओनली. दे डिड नॉट लाइक दिस एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर. बट इनको जब मजबूर किया जा रहा था तो स्प्रिंग थियरी के तहत आज नहीं तो कल इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया. दिस वॉज ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज. ब्रिटिश जो आपकी जो आर्थिक नीति थी उन्हीं की भेंट सौगात के नाते हमको ये चीज दे दी. साथो साथ यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज आई ब्रिटेन से तो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्री भारत के अंदर भी शुरू होती है. हमको ज्यादा इसके अंदर देखना वही है कि ये मॉडर्न इंडस्ट्री ये लोग बोलते तो हैं कि भाई मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत भारत से हुई. सच्चाई ये थी कि दिस होल मॉडर्न इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था बहुत ही लॉपसाइडेड था. आज हम लोग एक है ना रीजनल डिस्पैरिटीज का कंसेप्ट कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है. देयर आर मेनी स्टेट्स व्हिच आर लैगिंग इंडस्ट्रियली. इसके पीछे की भी शुरुआत जो यहाँ पे शुरू होती है वो अंग्रेजों के दौरान ही हुई. जब ब्रिटिश रूल इंडिया आया तो वहां से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव देखने को मिलेगी. उसमें से एक पॉजिटिव यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलता है मॉडर्न इंडस्ट्री. समवेयर इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी दैट द मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्टेड कमिंग अप इन इंडिया. भारत के अंदर यहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप होती है. 1853 के आसपास कावसी जी नाना भाई करके एक जेंटलमैन थे, इन्होंने सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की थी. ओके एमसीक्यू के अंदर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं दैट द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1853. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट आप देखते रहिएगा. ओके इंपॉर्टेंटली इसके बाद अगर आप देखोगे कि देयर वाज अ रश ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया. इतने पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट अवेबिलिटी, चीप लेबर, रेडिली अवेलेबल रॉ मार्केट, रेडिली मार्केट इन इंडिया, इतनी सारी चीजें थी. तो सब लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किए जा रहे थे. तो उस टाइम के गवर्नर जनरल हुआ करते थे तो वो अपना प्रोग्राम चलाते थे कम मेक इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता था कि भारत के अंदर आके कुछ बनाइए. क्यों? क्योंकि उनका खुद का शासन था, उनकी खुद की सिस्टम हुआ करती थी और सिस्टम के कारण यहाँ पे उनको अश्योर्ड रिटर्न्स दिए जाते थे. जो भी ब्रिटिशर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा भारत के अंदर उनको बोला जाता कि 5% डिविडेंड तो हम लोग सालाना आपको देते रहेंगे. तो कौन अब अपना पैसा जवाना चाहे अपना लोगों ना जवाना था तो कई बार न तो आओ. तो रियालिटी ये थी कि यहाँ पे जितने भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनी
उनका जो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंटल पैटर्न था वो था बहुत ही लॉपसाइडेड. द कोर एंड द हैवी इंडस्ट्रीज एंड द पावर जनरेशन वर नेग्लेक्टेड. अगर इनको यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनानी थी ब्रिटिशर्स, या इतना सारा पैसा जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा था या कराया जा रहा था, तो दे शुड हैव गॉन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज. इंग्लैंड के अंदर जो जो अच्छी अच्छी चीजें होके आई है वो कुछ बना दिया, अगर वो नहीं किया. ऊपर से दे फेवर्ड ओनली इन सम रीजन्स एंड अदर रीजन्स को छोड़ दिया गया, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलती रहेगी. सो मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत तो भारत में होती है, बट ये मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत भी बहुत ही डिस्पैरिटी बेस्ड थी, बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थी. यहाँ पे कुछ व्यवहारों नहीं होती है ब्रिटिश रूल के दौरान जो मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत होती. साथ साथ एक पॉइंट के ऊपर हमने चर्चा की थी, वो थी राइज ऑफ इंडियन बुर्जुआ. बुर्जुआ इज अ फ्रेंच टर्म. बुर्जुआ जनरली जो न्यू अपर मिडिल क्लास जो पूरा का पूरा डेवलप हो रहा था फ्रांस की सोसाइटी के अंदर, उसको बोला जाता है. जब कमर्शियलाइजेशन और उसके बाद जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो पूरा का पूरा मुद्दा चलता है यूरोपियन सोसाइटी के अंदर, उसके बाद ही एक नया वर्ग उभर के आता है जिसे कहते हैं बुर्जुआ. दिस वॉज अ न्यू मिडिल क्लास, न्यू ट्रेडर क्लास, न्यू बिजनेस क्लास जो उभर के आ रहा था यूरोप के अंदर, और उसी का ही सापेक्ष, उसी का ही एक रिलेटिव एक क्लास था जो 19th एंड 20th सेंचुरी के अंदर भारत के अंदर उभर के आ रहा, जिसे कहते हैं इंडियन बुर्जुआ. अभी ये ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का ही सहारा लेके थोड़े बहुत पैसेदार या मालदार बन गए. सो इनका काम तो ऐसा ही था कि ब्रिटिश गुड्स के लिए थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव या कुछ सकारात्मक नीतियों का उसका जो फॉलो होना चाहिए वो अच्छी तरह से करे, और इसके कारण ही इनका पूरा का पूरा ग्रोथ होता है. सो देयर वर थ्री पीपल, जनरली तीन तरह के लोग थे जो ये बुर्जुआ के अंदर कंसिडर हुआ करते थे. एक तो थे इंडियन ट्रेडर्स जो व्यापारी लोग थे, एक तो थे मनी लैंडर्स जो यहाँ पे पैसे जो ब्याज के ऊपर देते रहते. मैंने बताया ना जो गांव के अंदर जो बनिया कम्युनिटी के लोग थे या मुखिया लोग था कोई, और बहुत सारे ऐसे थे जो बैंकर्स थे. अब आप समझो कि जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट इनका होगा कि नहीं होगा? ट्रेडर होगा जो इंडस्ट्री से सामान लेके डायरेक्ट बेचेगा, मनी लैंडर ऐसा होगा जो गांव के अंदर अपना पूरी की पूरी डेवलपमेंट करेगा और बोलेगा कि आपको ट्रेडर से माल खरीदना है, छोटे व्यापारी को बोलेगा तो मेरे से लेके जाओ पैसा, मैं आपको इतना परसेंट ब्याज के ऊपर दे देता हूँ. या कोई भी गांव का सामान्य आदमी जिसके पास पैसा नहीं होगा वो इसके पास जाएगा. एंड फाइनली ये जो क्लास है जो बैंकर्स का है, ये बैंकर बोलेगा कि मैं इन दोनों को पैसे दूंगा और इंडस्ट्री वाले को भी दूंगा. आपको इंडस्ट्री लगानी हो तो कोई बात नहीं, मेरे से लेके जाओ, वी आर प्रोवाइडिंग रेड कार्पेट टू यू. और इनका जो पूरा का पूरा जो रोल था, इट फिटेड इनटू द ब्रिटिश स्कीम ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन. क्यों? क्योंकि इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता. किस तरह से एक्सप्लोटेशन चलता है इसके पीछे इनका भी रोल है. ये बोलता है कि ये मनी लेंडर था, ये बोलेगा कि पैसे मिलेंगे लेकिन 50% इंटरेस्ट चार्ज होगा. तो इनका ग्रोथ हुआ 50-50% ब्याज खाते 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 खाते, कितने कितने तगड़े हो जाते हैं ये लोग. मनी लेंडर्स के पीछे भी एक रिवॉल्ट होता है महाजन के पीछे महाराष्ट्र के अंदर, उसमें भी यही रीजन था क्योंकि दिस मनी लेंडर्स यूज टू वर्क हैंड इन हैंड विद द ब्रिटिश अथॉरिटी. उनके साथ ही उनके साथ काम करने वाले लोग थे. इनकी नीतियां कॉमन गांव वालों को पसंद नहीं आती थी, तो इसके कारण ये भी इनको भी ग्रोथ हो रहा था. दिस वर द ट्रेडर्स, आलू ले लो कांदा ले लो, दे यूज्ड टू सेल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स टू एंड यूजर्स. ये लोग क्या करते थे कि पोर्ट के ऊपर से सामान जैसे ही आता था तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते, रेलवे आती थी ना उनके गांव तक या डिस्ट्रिक्ट कैपिटल तक, फिर वहां से ये लॉरी लेके निकल जाते थे. बोले देखो इंपोर्टेड परफ्यूम लेके आए हैं, इंपोर्टेड क्लॉथ लेके आए हैं. सो इनका भी विकास हो रहा था, और ये बेचते क्या थे? इंडियन प्रोडक्ट्स का थोड़ी बेचते थे, जस्ट टू सेल द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स. सो इम्पोर्टेंट, इनका भी ग्रोथ अच्छा हुआ क्योंकि कस्टम मेड गुड्स को बेच रहे थे जो कस्टम, मतलब जो बाहर से आने वाला. अपने प्री 1990s हमने 2000 सुधी पण कस्टम शॉप्स रहती थी सिटीज में, ख्याल से बता. सो दे यूज्ड टू सेल दिस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पछी शूज ने परफ्यूम्स ने कपड़ा ने बधु. एक मूवी पण आयु थू अनुष्का शर्मा एंड बदमाश कंपनी, यस बदमाश कंपनी, एमा आउट छे प्री 1990s नो इंडिया बतायु छे. सो ए लोका पण आज काम करता, ए लोका बार था थाईलैंड थी ने बधा जुदा जुदा देशों थी बधो सामान खरीदे અને પછી અહીંયા સ્મગલ કરાવે, સ્મગલ કરીને પછી વેચે, પછી એ લોકોને પૈસો બહુ સારો મળતો. સેમ વે આ જે ભાઈ હતા, આ ભાઈ પણ એવું જ કરતા હતા કે બ્રિટિશ ગુડ્સને લઈને એન્ડ માર્કેટ સુધી વેચી આવે. સો આ લોકોને મજા મજા પડી જતી હતી, તો આમનો પણ વિકાસ સારો થઈ જતો. ધ થર્ડ કેરેક્ટર એટ દેટ ટાઈમ વોઝ ધ મિસ્ટર બેન્કર, એન્ડ ધીસ બેન્કર ઇઝ સે કે મેં ઇન દોનો કો પૈસે દુંગા, જિસકો પૈસા ચાહિયે મેં સબકો દે દુંગા.
सो ऑल दिस रोल, ये जितनों की तीनों कैरेक्टर है, इंडियन ट्रेडर्स है, मनी लेंडर्स है या बैंकर्स है, ये तीनों का रोल एकदम सही फिट हो जाता। तो इसके कारण जब इंडस्ट्रीज आई और इंडस्ट्रीज के कारण जो थोड़ा बहुत ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, तो इंडिया के अंदर जो एक न्यू मिडिल क्लास है ना, उसका डेवलपमेंट होता। सो कॉलोनियल रूल का एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है कि न्यू मिडिल क्लास इंडिया के अंदर उसका ग्रोथ तो होगा, बट दिस गाइस वर हैविंग द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थॉट, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भाई ये कौन सी चीज का व्यापार कर रहे हैं। दे ओनली थॉट कि हम लोग यही बोलते हैं ना, 20 स्वदेशी 22 स्वदेशी, एक नारा चलता रहता है, स्वदेशी मूवमेंट से ही चल रहा था ये तो 1905 से ही, आज भी चलता रहता है कि वाई दिस एमएनसी शुड गो एंड शुड कम एंड सेल द प्रोडक्ट्स, हम लोग भी इतने भी कैपेबल है तो हमारे लोग ही कर पाएंगे, अच्छा है। सो यहाँ पे इनको ये चीज नहीं पता था कि 20 स्वदेशी 22 स्वदेशी 1905 के आसपास पता चलता कि यार 20 स्वदेशी 22 स्वदेशी ये सब पोर्ट वोर्ट से लेके आए, इससे अच्छा यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रीज डेवलप करें। पोस्ट 1900s यू विल सी कि नई नई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, बट इसके पहले जो हुआ वो बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ही डेवलपमेंट होता रहता है। ओके, द इंडियन मनी लेंडर्स वुड प्रोवाइड लोन टू हार्ड प्रेस एग्रीकल्चरिस्ट एंड थस फैसिलिटेटेड द स्टेट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे जो भी इंसान खेती करने वाला था वो ये मनी लेंडर से पैसे लेगा, पैसे लेने के बाद वो खेती करेगा, खेती करने के बाद स्टेट उसके पास जाएगा कि चलो हमें रेवेन्यू आप ही दो ना, तो सबका साथ सबका विकास। इसने खेडूत को पैसे दिए, किसान को, किसान ने कुछ उगाया, उसके बाद फाइनली स्टेट उसके पास चला जाएगा कि चलो उगाया है तो इतना परसेंट शेयर आपको देना पड़ेगा। इंडियन ट्रेडर कैरीड द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अगर आपको जनरली आप थोड़ा बहुत मार्केटिंग और वो जानते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स लगाने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के नीचे होलसेलर्स, रिटेलर्स, फिर आप ये FMCG सेक्शन है पूरा का पूरा, CNF होता है जनरली, अगर पूरा स्टेट का लिखना हो या रीजन वाइज आपको डिवाइड करना हो, तो वो सब मगजमारी चली गई ब्रिटिशर्स को। बोले ये ट्रेडर को हमने सिखा दिया है कि भाई साहब ट्रेन आएगी, आपको सामान उतार देना है, आपका जितना भी ऑर्डर है, उसके बाद ये साइकिल अपनी हैंड कार्ट जो भी टेम्पो वेम्पो जो भी था उसको लेके गांव खेड़े में जाके बेच के आता था। तो ब्रिटिशर्स को मगजमारी निकल गई कि यार यहाँ पे हम लोग को सामान बेचना है, उसके लिए हम लोग कैसे बेचेंगे। साथों साथ इंडिजिनियस बैंकर्स जो भी थे वो इन दोनों को पैसे देते थे, बोले ट्रेडर को सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए बेटा तू लेके जा, मनी लेंडर को लगेगा कि भाई मुझे भी बड़ी अमाउंट चाहिए तो ये भी लेके जाता था, और यहाँ पे जो कॉमन मैन था वो भी बैंकर के पास चला जाता था कि भाई मुझे थोड़ा बहुत पैसे दे दो। तो इसका भी ग्रोथ हुआ, बट दिस ग्रोथ वॉज फिटेड इन टू द कॉलोनियल स्कीम। तो इंडिया के अंदर जो बुर्जुआ क्लास, यहाँ का जो न्यू मिडिल क्लास जो इवॉल्व हो रहा था, वो एसेंशियली कॉलोनियल स्कीम का ही, उपनिवेशवाद की जो पूरी की पूरी विचारधारा थी उसी का ही एक भाग के रूप में हो। तो उनका ग्रोथ अंग्रेजों को पता था कि होने दो, उनका होने ही दिया, बोले ठीक है हम लोग का जोड़ी मगजमारी कम हो जाएगी, सरदर्द कम हो जाएगा। फाइनली जब आपने यहाँ पे इतना कमर्शियलाइजेशन कर दिया, क्रॉप्स को इतनी तरह से आपने डिस्टर्ब कर दिया, क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया, मैंने बताया कि दे डिड नॉट वॉन्टेड टू स्पेंड अ पेनी ऑन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराया जाए, इन्होंने नहीं किया। एज अ रिजल्ट यहाँ पे पूरे के पूरे फमाइन आपको देखने को मिलते रहेंगे। इट वॉज अ चेंज इन द इंडिया ट्रेड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द इंडिया फूड इनसिक्योरिटी। द फमाइंस वर नॉट द रिजल्ट ऑफ द जस्ट फूड ग्रेन्स स्कैसिटी बेस्ड फिनोमिना, बट वर रिजल्ट ऑफ अ डायरेक्ट पॉवर्टी। यहाँ किसानों के पास भी पैसे लगाने के लिए नहीं थे। बिटवीन 1850 टू 1900 ऑलमोस्ट 2.8 करोड़ पीपल डाइड इन फेमिन्स। ओके, सो दिस वॉज हाउ द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द इंडियन सोसाइटी, द इंडियन फार्मर्स, और किस तरह से हमारी इकोनॉमी को तोड़ा गया है। 1850 कंटिन्यूसली हर दो पांच साल के बाद यहाँ पे बड़े बड़े अकाल आते रहते। द लास्ट वॉज द ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1940s, 43, 42, 44. एंड एट दैट टाइम यू सी कि यहाँ का जो गवर्नर था बंगाल का, वो चर्चिल को लेटर लिखता है, बोले योर एक्सीलेंसी वी आर गोइंग थ्रू वेरी टफ स्टेज, और यहाँ पे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था आपका, तो ऊपर से वो जैपनीज इन्वेजन का डर लग रहा था थोड़ा बहुत पीछे से, बोले ये इसके पोर्शन से आ जाएगा और बंगाल के अंदर लोग मारे जा रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 4 million पीपल वर अफेक्टेड बाई दिस फेमाइन, एंड दिस गाय राइट्स टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, बोलता है कि योर एक्सीलेंसी यहाँ हालत बहुत खराब है, यू हैव टू टेक सम स्टेप्स एंड यू हैव टू हेल्प अस आउट। तो चर्चिल दिखता है कि इतने लोग मारे गए तो वो तो ठीक है, बोले गांधी का क्या हुआ, वो जिंदा है अभी तक। सो ही वॉज अ वेरी श्रूड एंड क्रूअल मैन। द आयरनी ऑफ टूडेज टाइम
is the same Gandhi is standing next to Mr. Churchill in Britain's Parliament. अभी 6-8 महीने पहले ही मिस्टर चर्चिल का स्टैच्यू था पहले, अभी गांधी जी का स्टैच्यू चर्चिल के स्टैच्यू के बाजू में लगा है ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर, ओके, वेस्टमिंस्टर हाउस के अंदर। तो ये ताकत है आपके महात्मा गांधी की कि चर्चिल की आत्मा अभी भी उसको नकार रही होगी कि यार ये कहाँ आ गया बाजू में। द रियलिटी इज दिस, ओके, जब भी बात करेंगे चर्चिल बर्चिल के बारे में, ओके, हम लोग बात कर देते हैं इकोनॉमिक ड्रेन की।